द ऑर्डर ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इस न्यूक्लियस की वजह से उस पर एक फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो उसमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है और यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में आप पढ़े होंगे टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जितना टाइम टी लगा डिवाइड कर दो तो ये टॉर्क हो जाएगा। और ये हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या है, टाइम तो दिया हुआ, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा हुआ है इतना, तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, तो इस टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम पहले एन इज इक्वल टू थ्री में था, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितनी थी, एन एच थ्री एच अपॉन टू पाई था, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया टू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एन इज इक्वल टू टू एच अपॉन टू पाई और माइनस थ्री एच अपॉन टू पाई। ठीक है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो एच अपॉन टू पाई मैग्नीट्यूड मॉड ये, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया टाइम से, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10^-34 सेकेंड होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर में कैलकुलेशन में, तो एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो 10^-34 सेकेंड के आसपास आ जाती। तो जब टॉर्क इसका जब टॉर्क लिखोगे प्यारे बच्चों, तो टॉर्क की अगर इक्वेशन लिखूं मैं, तो 10^-34 और डिवाइडेड बाई 10^-8, तो जब इसको घटाओगे तो 34 10^26 न्यूटन मीटर, ये इस ऑर्डर का टॉर्क लग रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इस ऑर्डर का टॉर्क दिया ही नहीं है इसमें यार। ठीक है, तो यशी वर्मा में मतलब ये भी नहीं, ये भी पॉसिबल, ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं, ये भी, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। बट ये जो बी ऑप्शन है ये इसके करीब तो नहीं है ज़्यादा, पर करीब मान मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि देयर इज लिटिल बिट एरर। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बी ऑप्शन सही है।